हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे फुसल फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आज बनाने वाले हैं हम करेले की रेसिपी। तो हम किस तरह से बनाएंगे करेले की रेसिपी, ये देखने के लिए वीडियो पे बने रहें। तो इतने हमारे करेला हैं, आप देख सकते हैं। और इन करेलाओं को पहले हम धो लेते हैं। तो इस भगोने में हमने इतना पानी ले लिया, आप देख सकते हैं। और इसमें हम डाल लेते हैं, तो इसमें हमने सारे करेले डालने हैं और अच्छी तरीके से इसको धो लेते हैं, खूब अच्छी तरीके से। तो ये करेले हमने अच्छी तरीके से धो लिए हैं और अब हम निकाल लेते हैं। तो हम इस प्लेट पर रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस प्लेट पर रख लिया ये करेला और अब हम इसको काट लेते हैं। तो हम इस तरीके से काटेंगे गोल गोल करके। पहले हम इसके ऊपर की थोड़ी सी काट देते हैं। तो हम इस तरीके से काटेंगे गोल गोल, देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक करेला काट लिया इस तरीके से गोल गोल। तो इसी तरीके से हम सारे करेले काट लेंगे। तो ये करेला हमने गोल गोल काट लिया है, आप देख सकते हैं ये सारे करेला गोल गोल काटे हुए हैं। और इतनी सी हमारी दार है, ये चना की दार है। तो इसको हम फूलने रख देते हैं। पहले इसमें हम पानी कर देते हैं और अब हम इसको फूलने रख देते हैं। तो ये जब तक दार फूल रही है तब तक हम मसाला बट लेते हैं। तो आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी मिर्च ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें दो मिर्च रख ली है और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी रख लेते हैं। तो हम इतनी सी हल्दी रख लेते हैं इसमें और हम थोड़ा सा लहसुन रख लेते हैं। तो हम इतना सा लहसुन रख लेते हैं इसमें और इसमें हम सौंफ धनिया रख लेते हैं। तो इतनी सी हमारी सौंफ है और इतना सा धनिया है। तो हम इस पर थोड़ी भी रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सौंफ धनिया रख लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला रख लेते हैं। तो हम इतना सा गर्म मसाला रख लेते हैं और अब पीस लेते हैं हम मसाला। तो पहला हम सलाटा धो लेते हैं खूब अच्छी तरीके से। तो ये सलाटा अच्छी तरीके से धुल चुका है और इस पर हम हल्दी रख लेते हैं। तो पहला हम इस हल्दी को खोल लेते हैं, फिर पीसेंगे। तो ये हमारी हल्दी बट चुकी है और इस पर हम अपना मसाला रख लेते हैं। तो हमने अपना मसाला रख लिया, आप देख सकते हैं, और अब पीस लेते हैं हम। तो ये हमारा मसाला बट चुका है और हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला इकट्ठा हो चुका है और इसमें हम कटोरी में भर लेते हैं। तो हम अपना मसाला बट लाए हैं और इतनी सी हमारी प्याज है और इतनी सी हमारी हरी मिर्च है। तो पहला हम इनको काट लेते हैं। तो पहला हम प्याज काट लेते हैं, फिर हरी मिर्च काट लेंगे। तो अब हम काट लेते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से काट लेंगे, सारी प्याज काट लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमने प्याज काट ली है और अब हम हरी मिर्च काट लेते हैं। तो ये हरी मिर्च हमने पहले ही धो ली थी, तो अब हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये हमने हरी मिर्च काट ली है और अब अपने दोबारा हम करेला धो लेते हैं। तो इस घोने में हमने पानी ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने इसमें करेला डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से हम इनको धो लेते हैं। तो ये हमने करेला अच्छी तरीके से धो लिए हैं और अब हम धो लेते हैं इनको नीचे नीचे से। तो ये हमारी करेला धो चुकी है अच्छी तरीके से और अब हम आँच पे डाल लेते हैं। तो पहला हम चूल्हे में लकड़ी धर लेते हैं। तो हमने चूल्हे में लकड़ी धर ली है और अब आँच पे डाल लेते हैं। ये हमारी आंच पे चुकी है, इस पे हम कढ़ाई रख लेते हैं और ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब इसमें हम तेल छोड़ेंगे। तो ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें हम तेल छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें इतना तेल छोड़ दिया है और ये तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तो ये तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम हरी मिर्च छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें हरी मिर्च छोड़ दी है और इसमें हम प्याज छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें प्याज छोड़ दी है और अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं इसको। तो ये प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है और इसमें हम मसाला छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें मसाला छोड़ दिया और अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो हम इतना सा नमक डाल देते हैं और इस नमक को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो हमने इसमें नमक अच्छे से मिला लिया और इसमें हम करेले डाल देते हैं। तो इसमें हमने करेले डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये करेला हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा ही छोड़ेंगे। तो हमने इतना सा पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम दाल डाल देते हैं जो हमने पुराने रखी थी चना की दाल, तो इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने इसमें चना की दाल डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो हमने अच्छे से चना की दाल मिक्स कर ली है और अब हम ढक देते हैं। तो हमने ये सब्जी ढक दी है और ये हमारी सब्जी जब तक रंध रही है तब तक हम आटा मार लेते हैं। तो हम अपना आटा निकाल लाए हैं और अब हम छान लेते हैं। तो ये हमारा आटा छन चुका है और अब हम मार लेते हैं। तो ये हमारा आटा मर चुका है और हम अपनी सब्जी देख लेते हैं रंधी है कि नहीं। तो आप देख सकती हैं ये हमारी सब्जी अच्छी तरीके से बन गई है, देखिए। और ये अच्छी तरीके से गल भी गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं ये करेला अच्छी तरीके से गल गए हैं और ये दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है, देखिए देखिए अच्छी तरीके से गल गई है दाल। और अब हम उतार लेते हैं इसको। तो देखिए इस तरीके से बनाओ करेला, बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है एकदम। इस तरीके से बनाओ एकदम टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाने में। अगर आपको हरी करेला अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बता देना हमको कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है और इस चूल्हे पर हम ताव रख लेते हैं। तो हमने ताव रख लिया है चूल्हे पर और अब हम परोसने के लिए आटा छान लेते हैं। तो ये हमने परोसने के लिए आटा छान लिया है और अब हम रोटी सेक लेते हैं। तो ये पहली रोटी है, पहली रोटी हमारी गाय की है। तो ये हमारी पहली रोटी मिल चुकी है और इस पर डाल लेते हैं हम। और इसी तरीके से दूसरी भी रोटी बना लेते हैं। तो ये हमारी पहली रोटी सेक चुकी है और इसी तरीके से हम सारी रोटी सेक लेंगे। तो हमारी सभी रोटी सेक चुकी है और ये लास्ट की बची थी ये भी सेक चुकी है। तो अब हम ताव ताप देते हैं। तो हमारे करेले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी रहना खाने के लिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राम राम जी।